हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका त्यागी और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मोनिकाज़ किचन में। तो आज की हमारी रेसिपी है दो तरह की चटनी बनाने की, जिसमें कि हम बनाने वाले हैं हरी चटनी, जो कि दही वाली हरी चटनी आप अक्सर रेस्टोरेंट वगैरह में खाते होंगे। इसके साथ ही हम बनाने वाले हैं खट्टी मीठी चटनी, खट्टी मीठी चटनी जो कि आप अक्सर शादियों में या पार्टियों में लेते होंगे। आप इन दोनों चटनियों को दही भल्ले, भल्ले पापड़ी या फिर समोसे के साथ में सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको किसी भी स्नैक्स के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये दही वाली हरी चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। दही वाली हरी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये ग्राइंडर जार ले लिया है। इसके साथ ही मैं यहाँ पर ये तीन तरह की पत्तियाँ इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैंने इसके लिए यहाँ पर ली है धनिया पत्ती, साथ में थोड़ा पालक पत्ता ले लेंगे और इसके साथ ही थोड़ा पुदीना पत्ता ले लेंगे। सभी को अच्छी तरह से धोकर ले लें और इसके बाद में इन सभी पत्तियों को ग्राइंडर जार के अंदर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता थोड़ा ज़्यादा लिया है और पालक पत्ता और पुदीना पत्ता को बराबर रखा है। आप चाहें तो तीनों को बराबर क्वांटिटी में ले सकते हैं। और अब हम इसके अंदर यहाँ पर ये तीन हरी मिर्ची को डाल देंगे। मिर्ची को अच्छे से धोकर डालें। एक इंच अदरक का टुकड़ा ले लेंगे। अदरक को मैंने छील कर ले लिया है। इसे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। टेस्ट के हिसाब से थोड़ा नमक डाल दें। तो मैं इसके लिए यहाँ पर ये आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। एक छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो जीरे को भूनकर इसी तरीके से इसके अंदर डाल सकते हैं। साथ में मैं इसके अंदर यहाँ पर ये तीन बड़े चम्मच दही डाल रही हूँ। अभी मैं इसके अंदर ज़्यादा दही ऐड नहीं कर रही हूँ, केवल तीन चम्मच डालकर इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। मैं यहाँ पर ताज़ा दही इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करूँगी। अगर आपकी दही बहुत ज़्यादा खट्टी है तो आप इसके अंदर ज़्यादा दही ना डालकर थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड करके ले लिया है और अब मैं इसके अंदर ये तीन बड़े चम्मच दही और डाल दे रही हूँ। इसे डालकर इसको दोबारा से अच्छे से ग्राइंड करके ले लेंगे और ये दही वाली हरी चटनी बनकर तैयार है। अब आप इसको एंजॉय कीजिए। आप इसे फ्रीज में रखकर तीन से चार दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम बनाकर तैयार करेंगे अमचूर की खट्टी मीठी चटनी, जिसके अंदर की मैं कोई भी कलर वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो जिस भी सॉस पैन के अंदर या कढ़ाई के अंदर आपको चटनी बनानी है, वही सॉस पैन या कढ़ाई आप ले लीजिए। इसके अंदर हम डाल देंगे एक चौथाई कप भरकर अमचूर पाउडर। अगर आप इसे ग्राम्स में लेते हैं तो 25 ग्राम यानी 25 ग्राम ये अमचूर पाउडर है। साथ में मैंने यहाँ पर ये एक कप गुनगुना पानी लिया है। आप इसका मेज़रमेंट किसी भी कप से या बाउल से कर सकते हैं, लेकिन एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट कीजिए, अच्छी चटनी आपकी बनकर तैयार होगी। गुनगुने पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इस तरीके से आप इसकी गांठें ख़त्म कर लीजिए। एक साथ आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो आप इसकी गांठें अच्छी तरह से ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने इसकी गांठों को ख़त्म कर दिया है और ये पूरा पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब एक कप पानी मैं इसके अंदर और डाल दे रही हूँ। एक चौथाई कप अमचूर पाउडर के लिए आप दो कप पानी लीजिए। अब गैस को ऑन कर लेंगे और सॉस पैन को गैस के ऊपर रख देंगे। और अब हम इसके अंदर यहाँ पर ये चीनी ऐड करेंगे। तो मैं इसके अंदर यहाँ पर ये तीन चौथाई कप भरकर चीनी डाल रही हूँ। अगर आप इसे ग्राम्स में लेते हैं तो 150 ग्राम ये चीनी है। आप चाहें तो इसके अंदर केवल चीनी ऐड कर सकती हो, लेकिन मैं इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा गुड़ भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर कोई भी कलर वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ और गुड़ से इसका कलर जो है अच्छा आ जाएगा। तो मैंने इसके लिए यहाँ पर ये आधा कप भरकर गुड़ डाल दिया है। वजन से लें तो 125 ग्राम यानी 125 ग्राम गुड़ है। साथ में डाल देंगे एक छोटा चम्मच काला नमक, एक छोटा चम्मच भुने पिसे हुए जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसके अंदर काली मिर्ची का पाउडर और साथ में गरम मसाला डाल सकते हो। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्ची। तो ये मैंने यहाँ पर डेढ़ छोटा चम्मच के करीब ऐड किया है। इससे क्या होगा कि हमारी जो चटनी है इसका कलर काफ़ी अच्छा आएगा। बाकी मैं इसके अंदर कोई कलर वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ। और इसके साथ में मैंने इसके अंदर डाला है आधा छोटा चम्मच सिंपल नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। वैसे आप इसके अंदर चाहें तो घर में जो नॉर्मली मिर्ची आप इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग पहले आंखों से खाते हैं उसके बाद में हम मुंह से खाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर ये काश्मीरी लाल मिर्ची का इस्तेमाल किया है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसके अंदर अच्छे से उबाल लगा लें। और जैसे इसके अंदर अच्छे से उबाल आ जाए उसके बाद में आप गैस की फ्लेम को मीडियम लो के बीच में रखें या फिर मीडियम पर रखें, क्योंकि उसके बाद जो ये चटनी है तो पैन से बाहर निकल कर आ सकती है, तो गैस की फ्लेम को थोड़ा धीमा ही रखना है।
और इस तरीके से इसको बीच बीच में चलाते हुए आप करीब 5 से 7 मिनट के लिए इसको पका लें, या फिर तब तक आप इसको पकाएं जब तक ये ठीक ना हो जाए। अब तब तक यहाँ पर हमारी चटनी उबल रही है, तो यहाँ पर मैंने दूसरे बर्नर के ऊपर एक पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है। आप चाहें तो तवा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके ऊपर हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच खरबूजे के बीज, जिसे कि आप मगज़ भी बोल सकते हैं, और इसे लगातार चलाते हुए तब तक भून लें जब तक कि बीज हमारे चटकने ना लगें। ये देखिए इस तरीके से बीज हमारे चटकने लगे हैं, तो गैस को बंद कर देंगे। और यहाँ पर हमारी चटनी को उबलते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, तो चटनी काफ़ी थिक हो गई है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच सौंठ पाउडर, जिसे कि आप जिंजर पाउडर भी बोल सकते हैं। साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे खरबूजे के बीज, जिसको कि हमने रोस्ट करके ले लिया है। अगर आपके पास ये मगज़ यानी खरबूजे के बीज नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ में आप चाहें तो इसके अंदर डाल सकते हो काजू, किशमिश या फिर छुहारा डाल सकते हो आप इसके अंदर। ये देखिए चटनी हमारी पहले से काफ़ी थिक हो चुकी है, तो गैस को बंद कर देंगे। और ठंडा होने के बाद हमारी चटनी और भी ज़्यादा थिक हो गई है, तो आप देख सकते एकदम परफेक्ट हमारी खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। आप इस चटनी को फ्रीज के अंदर रखकर कम से कम 3 से 4 महीने तक खा सकते हैं। बिना फ्रीज आप इसे 1 महीने तक भी रखकर खा सकते हैं, लेकिन आप इसे किसी भी साफ कंटेनर के अंदर डालें और गंदी चम्मच आप इसके अंदर बिल्कुल ना डालें। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी ये रेसिपीज पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाइए। प्लीज़ मेरे कहने पर आप इस होली में इन चटनियों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।